हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे वुमेन जैकेट की स्टिचिंग कैसे होती है। इससे पहले मैं इसकी कटिंग आपको समझा चुकी हूँ, तो नेक्स्ट जो पॉइंट था हमारा स्टिचिंग करने का, तो वो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पट्टी हमने अलग से कट की थी, उसको हमने जो है फ्रंट एरिया के जो दो हिस्से हमने किए थे उस पर इस तरीके से लगाना है। आपको अगर ये वीडियो ऐसे समझ में नहीं आ रही, तो इससे पहले वाली वीडियो आपको जाकर चेक करनी पड़ेगी, तभी आप इसको समझ पाएंगे। तो इस तरीके से उस पट्टी को ऐसे रख के आपको अंदर की साइड इसको पलट देना है। तो अंदर की साइड पलटने से पहले एक और ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, वो आप पहले दोनों जो ये पट्टियां हैं इनको अटैच कर लें, और इस तरीके से ओपन करके हमें जो है गुम सिलाई करनी है। तो जैसे हम कंधों की गुम सिलाई करते हैं, वैसे ही इसमें भी हमने करनी है। तो दोनों को ऊपर नीचे रख लूँगी मैं, ये सीधा है और ये भी सीधा करके, मतलब दोनों अपोजिट साइड रख के, और जो हमने स्टिचिंग की है वो लाइन मिला के हमने दोनों कंधों पे, और जो ये पट्टी हमने जोड़ी है इस पर सिलाई चला देनी है। यानी कि जैसे हम कंधे जोड़ते हैं सेम वैसे ही। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये तो हमारी जो काउल कॉलर है वो बनेगी, तो उसमें जो है ये गुम सिलाई हो जाएगी और हमारे कंधे में भी। तो देखिए कुछ इस तरीके का दिखेगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और इस तरीके से इस पे आयन कर लें, क्योंकि ये थोड़ा सा मोटा मोटा ना हो जब हम इस कॉलर को पलटेंगे। तब इस तरीके से पूरी पट्टी पे आप क्या है एक बार आयन कर लेंगे तो ये अच्छे से बैठ जाएगा। तो इस कॉलर, इस जो जैकेट की पूरी लुक जो है कॉलर पे डिपेंड करती है। तो कॉलर को जो स्टेप मैं आपको बता रही हूँ उसी तरीके से आपको फॉलो करना है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने आयन अंदर भी कर ली, और अब इस पे मैं सिलाई अभी नहीं चला रही हूँ, लेकिन मैंने मोड़ के सारी चीज़ें पिनअप कर ली हैं और अच्छे से इसको आयन कर लिया है, क्रीज कर लिया है, क्योंकि ताकि जब हम इसको ऐसे मोड़ेंगे कॉलर को तो इसका लुक जो है कुछ इस तरीके से होगा। ये देखिए इस तरीके से, और इसमें कोई भी स्टिच आपको दिखाई नहीं देगा, सारी गुम सिलाई हो गई है अब इसकी। तो ये कॉलर आप अपने जो है कुर्ती में भी बना सकते हैं, अपने ब्लाउज में भी बना सकते हैं, बहुत आसान है और बहुत यूनिक भी अपने आप में। तो आपको समझ में आ गया होगा, और इससे पहले वाली वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा समझ पाएंगे। अब बारी आती है जो कंधे हमने जोड़े हैं और इस कॉलर को अटैच करने की। तो वो कैसे करना है, पहले आप पिनअप कर लेंगे पूरे कंधों को और जो हमारा नेक एरिया है उसको। तो पहले नेक का सेंटर मैंने ड्रॉ किया, और जो हमने जोड़ लगाया था जो हमें उसको मैच करना है, पहले उसको रख के देखना है, उस पर पहले आप पिनअप करेंगे, और फिर जो भी आपका आए, जो भी नेक बचे और शोल्डर बचे उसको आपस में अटैच करके आपको जोड़ देना है। बस आपको ये ध्यान रखना है जहाँ पे आपका गले का पीछे का जो गला था हमने आधा इंच काटा था, जहाँ वो मुड़ेगा वहाँ पे छोटे छोटे कट लगाने हैं। वो कट कैसे लगेंगे वो भी मैं अभी आपको बता दूंगी। तो इस तरीके से पिनअप करते जाएंगे, और ये देखिए इस तरीके से जो पीछे का गला है उसको मैच करते हुए, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से पिन मैंने कर दिया है, और जब शोल्डर तक पिनअप हो जाएगी, यानी कि पूरी शोल्डर से लेके और नेक से लेके, हमें ये पिन इस तरह से लगा देनी है, और जो कि हमारा जो गला है वहाँ पे थोड़ा सा कर्व होगा, उस कर्व को ख़त्म करने के लिए, यानी कि ख़त्म तो नहीं कहूँगी, उस पर जो है झोल नज़र ना आए उसको ठीक करने के लिए हम यहाँ पे नोचिस लगाएंगे दोनों तरफ। तो छोटे छोटे कट तो पूरे में ही लगें, लेकिन कॉर्नर में थोड़े बड़े कट लगेंगे जहाँ पे नेक है हमारा। और इस तरीके से आप लगाओगे तो आपका पूरा जो है प्रॉपर फिनिशिंग से आपकी जो है नेक लाइन बन के सामने आएगी। और अब जो है बारी आती है सिलाई लगाने की, तो आप सीधी सिलाई लगा लें कंधों और गले को जोड़ते हुए। इस तरीके से अब मैं कंधों और गले को जोड़ते हुए सिलाई लगाऊंगी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर एक भी स्टेप आप अगर मिस कर देते हैं, वीडियो को स्किप ना करें कहीं से भी, तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो ये देखिए आप एक बार ऊपर नीचे देख लें कि आपका कपड़ा प्रॉपर दबाई में आ रहा है या नहीं, और यहीं से आपको पूरा जोड़ देना है कॉलर को। पिन हटाते जाएं और सिलाई लगाते जाएं, पिन हटाते जाएं और सिलाई लगाते जाएं, बस यही मेन चीज़ है। बेशक आप धीरे धीरे करें,
पर आप चाहें तो यहाँ पे कच्चा भी कर सकते हैं अगर आपको स्टार्टिंग में दिक्कत हो रही है तो। वैसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें, और क्योंकि ये एक जो मेरा फैब्रिक है ये खादी फैब्रिक है तो इसमें तो बहुत ही आसानी से और बड़ी फिनिशिंग से जो है जैकेट बन के रेडी हो गया था। इस जैकेट को आप जो है साड़ी पे, सूट पे, जीन्स पे, हर जगह पहन सकते हैं, तो बहुत सुंदर ब्लेज़र बन जाता है ये। आप कोई अच्छे फैब्रिक को भी ले सकते हैं, जैसा आप फैब्रिक लोगे वैसा आपका लुक आएगा। तो यहाँ पे मेरी थोड़ी सी स्टिचिंग रह गई थी तो मैंने दोबारा यहाँ पे सिलाई लगाई। सिलाई लगाने के बाद कट्स फिर से लगा दिए ताकि एक भी झोल नज़र ना आए। और जो हमने मैंने शोल्डर पे जो जोड़ लगाने के लिए बोला था, सॉरी कट लगाने के लिए बोला था, वो भी लग जाएंगे। और अब इस कॉलर को मैं जब मोड़ के दिखाऊँ आपको तो ये देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पे कंधे अटैच किए हैं। और अभी भी आप देख रहे होंगे सामने मैंने अभी पिन ही लगा रखी है, सिलाई भी नहीं लगाई है। क्यों नहीं लगाई है? ताकि पूरी अच्छे से फिनिशिंग में दे पाऊँ। अब बारी आती है स्लीव्स अटैच करने की, तो मैं यहाँ पे स्लीव्स अटैच कर लूँगी। मैंने जो है स्लीव कट कर ली थी, वो कटिंग वाली वीडियो आपकी पहले ही मैं डाल चुकी हूँ अपनी। तो यहाँ पे मैं जो है स्लीव्स ओपन अटैच कर रही हूँ, वो आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे भी अटैच करें। आप पहले फिटिंग का निशान लगा सकते हैं, उसके बाद भी जोड़ सकते हैं। तो दोनों बाजू जोड़ने के बाद इसका जो है काम फिनिश हो जाता है। मेन जो काम है वो हमारा हो गया है। तो अब मैं दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए हम पूरी सावधानी से अगर इस जैकेट को बनाएंगे तो हमारा जो है काम पूरा फिनिशिंग के साथ होगा। तो इस तरीके से हमारी जो है जैकेट बनके रेडी हो जाएगी। और आप समय समय पर इस चैनल पे नई नई वीडियोस आप देखते ही रहते होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर लीजिएगा। अब बारी आती है, हमने जब कटिंग की थी तो ये डार्ट नहीं लगाई थी, तो डार्ट की चौड़ाई मैं 4 इंच रख रही हूँ और वेस्ट लाइन से 4.5 या 4 इंच ले लिया, यानी टोटल 8 इंच की मैंने यहाँ पे डार्ट रखी हैं। तो यही सेम चीज़ फ्रंट में भी कॉपी कर लेंगे और फिटिंग का निशान लगा लेंगे, उसके बाद जो है आपकी जैकेट बनके रेडी हो जाएगी। तो इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो इसका प्रॉपर लुक है वो बहुत मायने रखता है कि हम वैसा लुक ला पाएँ। तो ये स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर से इससे भी अच्छी जैकेट बना पाएंगे अपने लिए। तो देर किस बात की, आप इसकी स्टिचिंग की वीडियो और कटिंग की वीडियो पूरी देखिएगा और समझिएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करिएगा। तो ये थोड़ा प्रॉपर फिटिंग में नहीं रखनी है, और आपने जब फिटिंग का निशान लगाना है तो ये ध्यान रखना है कि एक एक इंच एक्स्ट्रा लेके चलना है आपने, क्योंकि यहाँ पे वेस्ट लाइन पे डार्ट आनी है 1-1 इंच की। तो उसी हिसाब से यहाँ पे मैं मेज़र कर रही हूँ अपना, तो जो भी मेरी मार्किंग थी उसमें 1-1 इंच प्लस करके मैंने जो है फिर से मैं चेक कर रही हूँ ताकि जो है हमारी ब्लेज़र टाइट ना हो जाए। और फिर शेपर से फिर से मैं यहाँ पे शेप दे रही हूँ, तो इस तरीके से प्रॉपर शेप भी आ जाएगी हमारी बिना डार्ट के। जो है वुमेन जैकेट में या मेंस जैकेट में भी जो है डार्ट की तो बहुत ज़रूरत होती है, तो उससे एक लुक क्रिएट होता है, जैसे हमारी बॉडी शेप होती है वैसे ही। और यहाँ पे मैं 4-4.5 इंच पे अपना मोहरी नाप लूँगी बाजू की, और जो हमारा फिटिंग का निशान है उससे इस तरीके से शेपर की हेल्प से निशान लगाने के बाद फिटिंग लगा लूँगी। और फिटिंग लगाने के बाद हमारी ऑलमोस्ट जैकेट कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे अब बारी आती है डार्ट को स्टिच करने की। तो जो मैंने डार्ट की मार्किंग की थी उसी पे मैंने जो है डार्ट को स्टिच कर लिया है। तो यहाँ इस ब्लेज़र में टोटल 4 डार्ट लगेंगी, तो वही मैं डार्ट लगा के इसको रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे डार्ट लगाने का काम कंप्लीट हो गया है। और इस पे जो है मैंने यहाँ पे जो क्रॉप टॉप और सलवार बनाई है इसकी वीडियो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, लेकिन मैंने पहले इस जैकेट की वीडियो नहीं डाली थी। तो इस बार मैंने जब कस्टमर ने इस जैकेट को बनवाया तो
मैंने जो है इस जैकेट की वीडियो सोचा आपके साथ शेयर की जाए। और अब जो है नीचे का हमारा जो पोर्शन था उसको एक एक इंच आपको इस तरीके से मोड़ लेना है, तो मोड़ के जो है फिनिशिंग दे देनी है। तो इस तरीके से जब आप सारी मोड़ लेंगे तो प्रॉपर आप ध्यान रखिए कि दोनों तरफ से बराबर आए आपका, तो इजीली ये सिलाई भी मैंने यहाँ पे कर ली थी। और जब लाइनिंग वाला कपड़ा होता है तो उसमें ये दिक्कत रहती नहीं है, उसमें हमें गुम सिलाई करनी होती है पलटने वाली। तो जो पहली जैकेट थी वो मैंने जो है इनर उस पर बनाई थी लाइनिंग पे, और ये वाली जो है खादी का कपड़ा था तो इसमें मैंने लाइनिंग नहीं यूज़ की, बट फिर भी इसका लुक बहुत सुंदर आया क्योंकि कपड़ा तो वैसे ही थिक था। इस तरीके से स्टिच फिनिश कर दूंगी मैं और इसका प्रॉपर लुक मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो मुझे कमेंट करके बताना ब्लेज़र कैसे बन के रेडी हुआ। और इसमें सेंटर में मैंने बेल्ट यहाँ पे लगाई है, आप चाहें तो कोई बड़ा बटन लगा के हुक लगा सकते हैं, हुक तो मैंने छोटा सा यहाँ पे लगाया भी है। तो मिलते हैं फिर एक अच्छे से डिज़ाइन के साथ। थैंक्स फॉर